आज हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। अच्छा ये बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। पौना घंटे के लिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं कलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है वो बड़ी खुशी का दिन होने वाला, आज भी खैर बहुत खुशी का दिन है। कल इसलिए खुशी का दिन है कि कल जो मेरे पेरेंट्स हैं ना वो आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब कनाडा नहीं आ रहे, अमेरिका आ रहे हैं। कनाडा वालों ने उनको अभी वीज़ा नहीं दिया, अमेरिका वालों ने दिया है। तो अमेरिका तो हमारा हमसाया है, बिल्कुल साथ ही है, तो अमेरिका को उनको वीज़ा मिला है। तो इस तरह हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, हमारी भी वैकेशन हो जाएगी, उनकी भी हो जाएगी, फिर हम पेरेंट्स से मिल भी लेंगे। तो तकरीबन 3.5 साल के बाद उनसे मिलना है, कोविड के बाद जो है वो अब मिलना है उनसे। तो और हम लोग ना 3 बहन भाई हैं जो कि हम यहाँ पे रहते हैं, एक मेरा ब्रदर है जो कि वहाँ पाकिस्तान में रहता है उनके साथ। तो वो लोग भी बहुत खुश हैं कि अपने 3 बच्चों से मिलेंगे और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जो फ्लाइट है ना वो आ रही है न्यूयॉर्क, तो हम लोग न्यूयॉर्क जाएंगे यहाँ टोरंटो से, और टोरंटो से न्यूयॉर्क जो है ना वो ड्राइव है 7-8 घंटे की। तो हम लोग ड्राइव करके जाएंगे उनको लेने, रहेंगे न्यूयॉर्क में 5-6 दिन और खूब इंजॉय करेंगे। और हम काफ़ी फैमिलीज मिलकर जा रही है, मेरी खाला जा रही है, उनकी फैमिली जा रही है, मेरी जो नंद है उसकी फैमिली जा रही है, हम जा रहे हैं, मेरे भाई हैं वो भी नहीं पैक है, उनकी फैमिली जा रही है। बहुत फन होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी को जो है ना अपने हाथों का खाना बना के खिलाएंगे, सब कुछ ना कुछ बना के लेके आ रही हूँ, खाला बना के लेके आ रही है, नंद भी बना के लेके आ रही है, मैं भी बना के जो है लेके जाऊँगी दिखा। ये देखें जी, ये शीरा बन रहा है, ये गुड़ का शीरा मैं बना रही हूँ। और मैंने ये सेमियाँ है ना, ये मोटी वाली सेमियाँ हैं, तो ये मैंने सेमियों का बनाना है जर्दा गुड़ वाला। और ये मैंने चिकन के लिए यखनी बना के रखी है, चिकन का बनाऊंगी पुलाव। और ये जो है मैंने, ये देखिए ये व्हील कोरमा है, ये व्हील कोरमा मैंने बना के रखा है। तो आप जब सुबह जाएंगे तो मैं धनिया शनिया इसमें डालूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जी चावल बॉयल हो रहे हैं, ओ हो चुके हैं, और ये सेला चावल है, इसका बनेगा जर्दा। ये देखें जी, मैंने जो है ना ये मतंचन है ना, इसमें मैंने बॉईल करके शुगर डाल दिया, सेला चावल है, और ये जर्दा बन रहा है अभी, थोड़ी कच्ची हैं सेवैयाँ। ये देखें जी, मैंने मतंचन में अब कलर भी डाल दिए हैं, और अब मैं इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी 1.5-2 घंटे के लिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं कलर मिक्स करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना बने। ये देखिए जी, इस वक्त चीहे का टाइम है और बहुत ज़्यादा अफरातफरी मची हुई है। मैंने बड़ा सोचा था कि मैं वीडियो शीडियो बनाऊंगी सुबह उठ के, लेकिन इतनी अफरातफरी है, मेरे भी राइस नहीं तैयार हुए। और 6 बजे हम लोगों ने निकलना था वहाँ न्यूयॉर्क के लिए, काफ़ी लंबा जो है ना वो ट्रैवल वो है, काफ़ी डिस्टेंस है, 7-8 घंटे की ड्राइव है। सो कोक वगैरह सालन ये बाकी चीज़ें सारी इसके अंदर रखनी है। तो ये मेरा मेकअप का बॉक्स दम पे रखे हैं, टाइम नहीं है, क्लोज है, ये भी याद रहेगा, टाइम नहीं है, देखो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे, टाइम नहीं है। ओके ओके, बस वो मेरे दम पे हो रहा है ना, ये रखना है आगे अली के साथ रखवाओ, दम पे मेरे चावल हो रहे हैं। ये देखो मेरे सांस इतना चढ़ा हुआ है, इससे अंदाजा हो रहा होगा। इधर देखो बच्चों को, ये भी याद रहेगा ना करीब, विकी के मुझे डांट रहा है कि वीडियो ना बना, जल्दी कर जल्दी कर, मैंने कहा दम पे रखे हैं चावल, मैंने कहा ये भी याद रहेगा कि हमने अपना तफरी में हमने वीडियो बनाई थी। अली हवादार बैठा हूँ, तैयार बैठा हूँ, कहते हैं कि उठ जाओ, मैं तैयार बैठी गाड़ी, बीवी बच्चों का वेट कर रहा। आपको दिखा दूं सुबह 6 बजे कैसा लगता है, दिन हो गया, दिन चढ़ गया। अब विंटर में, समर में तो वैसे ही दिन 5 बजे चढ़ जाता है। ये गाड़ी की कंडीशन भी दिखा दूं अंदर से, अंदर इतना कुछ है, ज़ाहिर हमने 5 दिन रहना वहाँ पे। ये भी याद रहेगा ना कि इतनी अफरा तफरी मची हुई सारों को। ये देखिए मैं नानी, चलो जी अब हम करेंगे दुआ। करना खैरियत से जाएं, खैरियत से आएं, फिर आप आओगे ना अगले हफ्ते, फिर आप आएंगी ना मम्मी से मिलने, बफलो तो आएंगी नानी माँ, आप भी मिलो नानी माँ से, चलो मिलो नानी माँ से, चल नानी माँ के साथ में चल। चाय
चीजें रखो अपनी सारी, बस निकलने लगे हम लोग। हाँ हाँ हाँ, नहीं उधर साइड पे रख लेना। हाँ हाँ, ये साइड पे आ जाएंगे ना। ठीक है, अब हम बॉर्डर क्रॉस करने लगे। विकी ये लाइन है बॉर्डर क्रॉस करने की? नहीं ये हमने सीधा जाना है। लग रहा था कि रश नहीं है। अल्लाह, ये देखे नियाग्रा फॉल नजर आ रही है यहाँ से। ये देखे नियाग्रा फॉल है और यहाँ पे साथ ही ये। तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करना थी, जो आपको रेड ग्रीन लाइट आ रही है ना नजर, यहाँ से बस हमने क्रॉस करना है। तो समझो अमेरिका में एंटर हो गया। अली इज लाइक 50 मिनट्स बिहाइंड। नहीं अंकल, अली निकले हैं। अली जो है ना, यहाँ से हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। अच्छा, ये बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। चलो टीम होटल्स आए हैं हम, और यहाँ से चाय कॉफी वगैरह लेंगे और फिर सैंडविच वगैरह, और फिर हम आगे न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं। तो ये जो आपने टीम होटल्स देखा है ना, तो ये यूएस का टीम होटल्स था बॉर्डर क्रॉस करने के फौरन बाद। और ये देखें कितने खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं रास्ते में। इस टाइम हमने गैस स्टेशन पे अपनी कार रोकी है और हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड। यहाँ पे बच्चों ने करना है वॉशरूम वगैरह यूज़। तो अभी बड़ा टाइम पड़ा न्यूयॉर्क जाने में, अभी भी पड़े हैं 5 घंटे, ऑलमोस्ट ये 9-10 आवर्स की जो है ना टोरंटो से हमारी ड्राइव हो जानी है। यूएस के वॉलमार्ट में आए हैं और लेने लगे हैं फ्लावर्स। अभी की मुझे पीछे से धक्के दे रहे हैं, जल्दी करो क्योंकि उनकी फ्लाइट लैंड हो जानी और अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो पड़ा है जाने में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। बुके निकी ये देंगे बच्चे एयरपोर्ट पे, ये मम्मी को पापा को यानी नाना नानी दादा दादी को ये बच्चे देंगे। यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, सामान का यहाँ पे तबादला हो रहा है इधर से, क्योंकि मम्मी पापा के बैग्स रखने हैं ना, तो यहाँ से बैग हारिस के उधर जा रहा है सामान। चलो मैं आगे देख रही थी, अली भी आ गया। यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो गए और यहाँ से निकलना है, थोड़ा सा रह गया डिस्टेंस। कहाँ गई? फाइनली हम न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और अब एयरपोर्ट की कितनी देर की ड्राइव है यहाँ से? 1 आवर। भाई अभी भी 1 आवर है, फ्लाइट जो है वो लैंड कर गई भी है और अभी भी 1 आवर है। ये देखो पता चल रहा है ना, ये न्यूयॉर्क है रश से। फाइनली जो है वो एयरपोर्ट न्यूयॉर्क का बस आ गया। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, पार्किंग लॉट में हैं और अभी सिर्फ हम ही पहुंचे हैं, अली वगैरह भाई वगैरह हमसे पीछे हैं। तो और 1 घंटा हो गया बेचारे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एयरपोर्ट पे निकल के बैठे हुए। बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम लोगों को इतना टाइम लगा है कि 2 घंटे हमारे वहाँ पे लग गए, जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए हैं। तो बेचारे पहले से बैठे हुए हैं वहाँ पे। मायरा ने फ्लावर्स पकड़ लिए हैं, देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। हम फ्लावर्स भूल गए थे वो, हम आए हैं अफरा तफरी है ना कि आए हैं निकालने के लिए। समीर ने भी ले लिया है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। सारी तरह कौन है अंकल? वो अब वो भी आ रहे हैं, फूल दो ना नानों को। चलो विकी ले पकड़ो वो। पापा ये आपके लिए। थैंक यू।
इंशाल्लाह आप कनाडा भी आएंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। ओए होए 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 दूसरी दफा मिलना हो रहा है अनी का। मेरी बना रही, मेरी बना रही। अरे इतनी लंबी कोई 24-25 घंटे की फ्लाइट लेके आए और घंटा इनको यहाँ पे वेट करना पड़ा है बेचारों को। एक घंटा इन बेचारों को वेट करना पड़ा है। मैं बॉर्डर पे 2 घंटे रोकी रखा है, हम लोग लेट हो गए। अल्लाह इधर लाडियाँ देखें, नानों के साथ कितनी लाडियाँ हो रही हैं। समीर आपने नहीं करने, ओ समीर भी आया है, समीर भी लाडियाँ करने आया है मायरा को देख के। ओए बच्चों के फ्लावर्स हमारे पास थे। वो भी आई है, वो मायरा से मिल रही है। ओए होए होए इधर तो ज्यादा ही मोहब्बतें आ रही हैं इस बड़ा सारा। ओए वो भी छोटो भी है, वो आ ही नहीं रही। वही ये जहाँ सेव तो ऐसे वो बैठा है इनके जैसे पता नहीं कब से जानता हो। पापा आप हमारे बच्चों से तो नहीं मिलते हुए रोए। मैंने एक दिन बात की उसमें खुदा की कसम वैसे बड़े अफसोस की बात है, मेरे बच्चों को नहीं देख के रोए। मम्मी रोई है, पापा नहीं रोए, पापा अली के बच्चों को देख के रोए हैं। नहीं आप हमारे बच्चों को देख रहे हैं, आप पापा जी नहीं रोए हमारे बच्चों को देख के। अब हमारी लड़ाई होगी 15 दिन के बाद। इस वक्त हम वेट कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ उठाने गए हैं पार्किंग से और हम वेट कर रहे हैं। मैं बनाने लगी हूँ इमोशनल सीन चल रहा है यहाँ पे भी। ये देखो हमारा ये चीज, ये देखो ये बैग, गोद में भी बैग है। ये देखो इधर एनी भी तुनी भी है, मायरा के पास कितना कुछ अभी तो इसमें वीडियो में पता नहीं चल रहा। समीर के भी आगे इतने शापर हैं, इधर भी शापर है, इधर भी इतना कुछ है तकिए। ये बैग्स और ये जगह हमने लिया, ये देखिए हम पहुंच गए हैं ये वाले एरिया में और ये जगह हमने लिया, इधर हम जाएंगे। ये अंकल आप मिलने के लिए आए हैं, आप रिलैक्स हो गए हो इधर, आप वीडियो बना रहे इधर। मैं कौन सा अपार्टमेंट है ये? ओ मैं इसकी वीडियो दिखा रही हूँ कि ये अपार्टमेंट है, नहीं वो नेक्स्ट अपार्टमेंट है।
चलो जी भाई बहुत थके हुए, मम्मी तो व्हील चेयर पे बैठी थी पर पापा बेचारे खड़े थे, पापा की शक्ल बता रहे हैं। आए बेचारे किससे मिलती है अली से, पापा की शादी की तुमने पिक्चर देखी चला जी मिलो मिलो मम्मी अंकल से मिल लिया, अंकल से मिल लिया चलो मिलो ना अंकल इधर देखे माशाल्लाह हमने हम सब पिक्चर। ये देखे जी ये है बिल्डिंग और ये है अपार्टमेंट जो कि हमने लिया। हाँ ये ले जाती हूँ दुकान से आओ बेटा। ये भाई ऐसा लग रहा होस्ट वाले वो किया वेलकम। ये होस्ट ने वेलकम किया, ये पहले से पहुंचे हुए यहाँ पे। ये देखो जी यहाँ पे एंजॉय हो रहा है, ये अपार्टमेंट हमारा नॉट बैड। हाय अब सुकून लेंगे मम्मी होनी है, अब आप सुकून लोगे पापा पाँव ऊपर करके आराम से लेट जाएं। अच्छा मैं जा रही हूँ सारे चलो वो कह रहा है मम्मी अब आप रिलैक्स करोगे इतने सुकून से। सीढ़ियों से भी असर हो गया इनका, थके हुए थे ना इसलिए फील हो रहा है।